हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हमारी भाभी हो रही है रेडी और इन्होंने सूट डाला है। और कुछ वीडियो जो मेरे ब्लॉग हैं वो आगे पीछे हो गए हैं। ये किस डे का है मुझे याद नहीं है, तो इधर उधर हो गए हैं क्योंकि मैंने लैपटॉप में सारे वीडियोज़ डाल दिए थे इसी वजह से। तो यहाँ पर वो रेडी हो गई हैं और बैठी हैं और मैं इनको दी हूँ मंगलसूत्र। तो बहुत सारे लोग कॉमेंट करके पूछ रहे थे कि आपने क्या दिया, तो यहाँ पर मैंने दिया तो भाई को ही बोला कि तुम ही पहना दो। तो वो यहाँ पर लेके बैठा हुआ है। और जो भी ज्वेलरी वगैरह है वो मैं नहीं दिखाती हूँ ब्लॉग में, जस्ट मैंने दिखा दिया है कि मैंने दिया और पहन रही है, वो भाई पहना रहा है। उसके बाद का ये, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो ना नहीं शूट किया है, कभी सुबह कभी शाम ऐसे करके मैंने शूट किया था। और उसके बाद यहाँ पे लाइट ऑफ, पता नहीं कौन लाइट ऑफ कर दे रहा था। यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह खोला जा रहा है, बहुत सारे गिफ्ट वगैरह खोल दिए गए हैं, दो चार जो बचे हुए हैं बस वही हम सोचे ना कि चलो मस्ती करते करते गिफ्ट ओपनिंग कर लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड का वॉइस देती ना तो मैं वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, पूरे ब्लॉग में ऐसे ही हुआ है। तो इसी वजह से मुझे सारा बैकग्राउंड म्यूट करके और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे ये जो गिफ्ट है ये हमारे ऊपर में जो रेंट पे रहते हैं ना उन्होंने दिया है, उन लोगों ने दिया है। जिस लड़के को आप देखते होंगे ब्लॉग में कभी कभी, उनकी मम्मा ने दिया है। तो ये अभी ओपन, तो ऊपर का तो रैपर हट गया था लेकिन अंदर से खोल के देखा जा रहा था कि हाँ, क्योंकि गिफ्ट खोलने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे तो मैंने वीडियो बना ही नहीं पाई जो भी गिफ्ट्स वगैरह खुले हैं, लेकिन चलो यहाँ पे दो तीन जो है ना यहाँ बैठे बैठे सोचे कि चलो साथ में बात करते करते, यहाँ मेरा भाई कुछ ना कुछ बोल रहा है कि क्या बना के खिलाने वाली हैं, आज क्या मिलेगा, ऐसा कर रहा है वो। तो और भी ज़्यादा हंसी आ रही थी, रेसिपी वो बता रहा था और रेसिपी में चिकन वगैरह बता रहा था, लेकिन मेरी जो भाभी हैं वो नहीं बनाती हैं, वो खाती भी नहीं है नॉनवेज, हम लोग तो सब लोग खाते हैं, वो नहीं खाती हैं। तो वो बोली कि मैं बना दूंगी। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे निकल चुका है गिफ्ट। यहाँ पे बातें हो रही थी कुकर के बारे में और मेरे छोटे भाई ने ना रिंग पहनी हुई है, उसको वो दिखा रहा था कि देखो मैंने भी रिंग पहना है, वही बातें हो रही थी यहाँ पे। और उसके बाद फिर अभी प्रिंस भी ना थोड़ा थोड़ा रो रहा था, मम्मी ने बोला कि मम्मी अभी, मम्मी को भी हम बुला रहे थे कि मम्मी आ जाओ साथ में बैठते हैं, लेकिन मम्मी अभी आ नहीं। दीदी, क्योंकि थोड़ा बहुत सारा काम ऐसा है ना जो घर में फैला हुआ है उसको समेटना रह गया है, क्योंकि शादी के बाद इतने सारे सामान इधर उधर होते हैं ना कि वो समेटने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाता है, लेकिन इस टाइम पे थोड़ी भी जगह नहीं थी घर में, सो इधर उधर किया जा रहा था। यहाँ पे कुकर क्या गिफ्ट में मिला था, ख्याली पुलाव, सबके पकने लगे थे कि इसमें क्या बनेगा क्या बनेगा। कुकर तो वैसे घर में बहुत सारे हैं, लेकिन होता है ना कि इस टाइम पे एक एक छोटी छोटी चीज़ों का मजाक बन रहा था हमारे साथ, मतलब हम सब लोग मिलके ना इस तरीके से हंसी और मजाक कर रहे थे कि मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे कुछ चेक कर रही थी प्रियंका। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि नई दुल्हन कितना ज़्यादा खुश हैं, उनके फेस पे स्माइल है। और ये बहुत बड़ी बात होती है जब लड़की अपना घर छोड़ के आती है और उस टाइम पे उसको ससुराल में खुशी मिले, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमें भी देख के अच्छा लग रहा था कि चलो प्रियंका खुश हैं, और इससे बड़ी बात क्या होती है, क्योंकि फिर अगर शादी के बाद अगर लड़की के फेस पर खुशी होती है ना, एक वो अलग ही खुशी मिलती है देख के भी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं जब वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ तो भी मुझे ये चीज़ें देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भाई कुछ ना कुछ मेरा छोटा भाई बोलता रहता है, कुछ ना वो ऐसे नॉर्मली नहीं बोलता है, वो मजाक वाली चीजें बोलता रहता है जिससे हमें बहुत ही ज्यादा हंसी आती है। मम्मी देखने वाली थी, मम्मी नहीं यहाँ पे बातें हो रही थी, मम्मी ने ये गिफ्ट को नहीं देखा, हम लोगों ने खोल के देख के और पैक कर दिया, क्योंकि फिर मम्मी को दिखाना ज़रूरी होता है जब, क्योंकि यहाँ के जब लोग कोई भी गिफ्ट देते हैं ना तो उसको मम्मी को भी जब भी गिफ्ट देना होता है उनके घर पे, तो ऐसा होता है ना कि हमें भी वैसे ही चीज़ कुछ देना होता है। तो इसी वजह से भाई ने बोला कि मम्मी को दिखा दो, क्योंकि वापस तो मम्मी को ही करना है अगर उनके घर बर्थडे या फिर कुछ भी हो तो। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा गिफ्ट आया, इसको हमें ओपन करना है। और ये
ये अभी प्रियंका ओपन कर रही हैं, और वैसे तो हमें पहले नहीं मालूम था, लेकिन थोड़ा सा जब हम रैपर हटाएं तो पता चल गया कि इसमें क्या है। तो इसमें है माइक्रोवेव, लेकिन फिर भी गिफ्ट खोलने की खुशी एक अलग होती है, और उसको निकाल के देख, बेशक हम उसको बाद में रख दें खोल के, लेकिन अगर हम उसको निकालते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ मम्मी भी आ गई हैं, और मम्मी को भाई ने बुलाया तो मम्मी यहाँ पे आ गई हैं। ठंडी बहुत ज़्यादा थी तो सबने स्वेटर वगैरह सब डाल रखे हम लोग, और यहाँ पे मम्मी को भी दिखाना था कि मम्मी आप भी गिफ्ट देख लो, क्योंकि वैसे तो पहले सारा कुछ खुल चुका था। और ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा ना कि ये भी मैं शेयर कर देती हूँ, ताकि मेरी एक मेमोरीज बन जाएगी, हम घर वालों की एक मेमोरीज बन जाएगी, क्योंकि ये अगर हम बाद में इस ब्लॉग को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा देख देख, क्योंकि ये सारी चीज़ें बस हम फोटो तक रह जाती है, ऐसे वीडियोज़ में तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये बाद में हम देखेंगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ ऐसे हमारी छोटी छोटी खुशियाँ स्टार्टिंग में। प्रियंका को भी अच्छा लगेगा देख के कि हम स्टार्टिंग में मैं कैसे थी, या फिर शादी के बाद हम कैसे कैसे एंजॉय किए थे, कैसे मस्ती कर रहे थे। तो इसी वजह से तो यहाँ पे ये गिफ्ट सबने देख लिया था, और परी को ही ज़्यादा देर लगा था देखने में, एंड उसके बाद इसको फिर से पैक कर दिया जा रहा है, जहाँ था वहाँ हम रख देते हैं इसको, क्योंकि फिर अभी इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है और कुछ बनाना भी नहीं है इसी वजह से। तो यहाँ पे भाई रख रहा है, उसकी सेटिंग करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई, नीचे से सेट करने में ना दिक्कत हो रही थी, क्योंकि निकालने को तो हम निकाल दिए थे लेकिन रखने में काफ़ी टाइम लगा था। उस वीडियो को मैंने यहाँ पर कट लगाया है, बहुत ज़्यादा लंबा था ये वीडियो, जितनी हमारी मस्ती थी सारा कुछ इसमें कैप्चर हुआ था, लेकिन फिर मैंने छोटा कर दिया इस वीडियो को। और यहाँ पे हम दोनों बहनों को मिल रहा है गिफ्ट, और ये पता नहीं फर्स्ट डे का क्लिप था या सेकंड डे का क्लिप था, मेरे ख्याल से फर्स्ट डे का ही था, दिन का शाम के टाइम का था, 5-6 बजे का। और यहाँ पे भाई ने दिया, एक्चुअली ये मम्मी ने ही ख़रीदा था, मतलब हम दोनों बहनों को गिफ्ट देने के लिए भाई दे रहा है हमें, और इसमें डायमंड का कुछ है हमारे लिए, मतलब हम दोनों बहनों के लिए मम्मी ने कुछ डायमंड का लिया था। अब क्या है और जो भी चीज़ें हैं मैं नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं ज्वेलरी वगैरह कुछ भी ब्लॉग में नहीं दिखाती हूँ। तो ये हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी, क्योंकि
बेटियों को होता है ना कि शादी में बेटियों को नेक तो मिलता ही है, कुछ ना कुछ तो दिया ही जाता है। तो यहाँ पे मुझे भाई ने दे दिया, उसके बाद दी को भी दे दिया। दी का परी लेके घूम रही है। से प्यारे से टाइम को हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया एक जगह बैठ के। और बाद में भी जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। ये जो ये पल था हमारा, ये देख के कि साथ में हमने कैसे बिताया, कैसे हंसी मजाक की है। वैसे तो बैकग्राउंड अगर मैं देती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन मैं वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। चलिए मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।